माय नेम इज मंथन पटेल, मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हमने, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर दिए हैं, एक गैलेनिक सेल पूरा खत्म कर दिया और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरा खत्म कर दिया। क्लियर, हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात की थी हम तीन टॉपिक पढ़ने वाले, उसमें से कंडक्शन बाकी है। क्लियर, याद रखेगा खास पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के सम्स कर दिए है और गैलेनिक सेल के सम्स बाकी है। गैलेनिक सेल के अंदर हमने दो टॉपिक पढ़े थे, एक स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हम किस तरीके से ई सेल को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे, और नॉन स्टैंडर्ड के अंदर किस तरीके से करेंगे। उसके जो भी डिफरेंट केसेस थे वो सारे केसेस मैंने आपको पढ़ा दिए, और उस केसेस के बेस पे कुछ सम्स हमें यहाँ पे करना है, वो न्यूमेरिकल भी आप लोग खास ध्यान दीजिएगा, और जितनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप कर सको उतनी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आप कीजिएगा। क्लियर, एक्स्ट्रा सम्स भी आपको विद पीडीएफ भेज रहा हूँ, तो वो भी आपको करना है, और ये सारे जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो पहले पूछे जा चुके हैं इवन जेडब्ल्यू के अंदर, तो उसके ऊपर भी आप खास ध्यान दीजिएगा। क्लियर, चालू करते हैं लेक्चर नंबर 22 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर सम्स की ओर जा रहे हैं हम। ठीक है, सबसे पहला एक यहाँ पे ध्यान करते हैं, सबसे पहला रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। एक रिएक्शन यहाँ पे बताया गया है, उसका सबसे पहले सेल का रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है। क्लियर, मैंने सारी बातें आपको सिखाई हुई है, आपको उसी तरीके से सम को शांति से पहले पढ़ना है क्वेश्चन क्या है, उसके बाद धीरे 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 वो चीजों को इम्प्लीमेंट करना सीखना है। हमने सारे केसेस पढ़ लिए है, याद रखिएगा, और मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के बहुत सारे सम्स यहाँ पे लिए हुए, वो सारे सम्स को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, याद रखिएगा लेक्चर नंबर 22 और लेक्चर नंबर 23, ये दोनों लेक्चर के अंदर हम सिर्फ सम्स ही कर रहे हैं, वो सम के ऊपर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। रिप्रेजेंट द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। एक रिएक्शन हमें बताया गया है, उसका हमें सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है। सबसे पहले मैं रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं आपको, रिप्रेजेंटेशन सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूं डायरेक्ट यहां पे। चलिए, आपको दिख रहा है कि Mg में से Mg प्लस 2 बन रहा है, मतलब कि ऑक्साइड कौन हो रहा है, मैग्नीशियम, और Ag प्लस में से Ag बन रहा है, मतलब रिड्यूस कौन हो रहा है, Ag। जो ऑक्सीडाइज होता है, जो याद कीजिए डेफिनेशन सारे चीजों को मैंने कहा था कि अब लेक्चर नंबर 11 टू लेक्चर नंबर 20 तक आपके आपको 21 तक आपको सब कुछ याद रखना है। क्लियर, ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम टू एमजी का, तो रिप्रेजेंटेशन ऑक्सीडेशन होता है कौन से, किसके ऊपर, एनोड के ऊपर, मैंने नेगेटिव साइन दिखा दी, हालांकि ये हमारा कौन है, एनोड है। क्लियर ना, याद रखिएगा, और यहां पे क्या करना है, आप एनोड ना लिखो तो भी चलेगा, कौन है एमजी, उसमें से ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा है, Mg प्लस 2, क्या बन रहा है Mg प्लस 2, आपको पता है बीच में सॉल्ट ब्रिज आएगा क्योंकि फुल सेल है, वो दिख रहा है यहाँ पे, और रिड्यूस कौन हो रहा है, Ag प्लस, कौन रिड्यूस हो रहा है, माफ कीजिए, Ag प्लस से Ag, Ag प्लस से Ag, बराबर, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है। ये जो है वो इक्वेशन बैलेंस कंडीशन में, ये जो है वो रेडॉक्स इक्वेशन है, बैलेंस कंडीशन इन लोगों ने पहले से लिख दिया है, हम N को ढूंढने के लिए जो लिखते थे ना एनोडिक इक्वेशन एंड कैथोडिक इक्वेशन, वो यहाँ पे रेडीमेड फॉर्म में दिया है, तो हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता चल ही जाता है। देखिए Mg प्लस 2 यहाँ पे आया है, ये प्लस, यहाँ पे प्लस 2 चार्ज है, प्लस 1 2 1 2, यानी N यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इक्वेशन बताया गया है, इक्वेशन हमें लिखना नहीं पड़ रहा है, हमें यहाँ पे इक्वेशन बताया गया है, तो इक्वेशन लिखने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। क्लियर, ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कि आपको रिप्रेजेंट करना था, मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और रिप्रेजेंट करते वक्त आपको एक और चीज बतानी रहती है जो मैंने बताया था, जो सॉलिड स्टेट में है उसको सॉलिड स्टेट दिखाओ, और कॉन्सेंट्रेशन के साथ मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बताई गई है 0.13 मोलर, और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आपको बताई गई है 0.0001 मोलर। चलिए, दोनों की दोनों चीज मैंने यहाँ पे दिखा दी है। क्लियर, याद रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो, क्लियर, वरना एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे सम को रॉन्ग कर देगी, याद रखिएगा। चलिए, रिप्रेजेंट कर दिया, देन कैलकुलेट इट्स ई सेल, कैलकुलेट इट्स ई सेल मींस रिडक्शन पोटेंशियल ढूंढना है, वेयर, माफ कीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढना है, वेयर इनोट सेल इज इक्वल टू 3.73। इनोट सेल बता दिया गया, ई सेल ढूंढने को कहा है, कहीं पे नहीं बताया गया है कि स्टैंडर्ड कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, वो एक और चीज यहाँ पे दिख रही है, वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, मतलब कि ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है, और अगर ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो आप लोग सीखे हो किसका यूज करते हैं हम, नंस इक्वेशन का। चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं नंस इक्वेशन की फॉर्मूला, लिख देता हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 वॉल डिवाइड बाय एन log with base 10 q। क्लियर, ये इक्वेशन आप लोग पढ़ के आए हो, मैंने इक्वेशन आपको पढ़ाया हुआ है। क्लियर,
अब ई नॉट सेल की वैल्यू तो हमें बता दी गई है, ये रही कितनी है ई नॉट सेल की वैल्यू 3.17 वैल्यू आपको बता दी गई है किसकी, ई नॉट सेल की। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू 3.17 आपको बता दी गई है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय एन। यहाँ पे एन नया कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एन इज इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि आपको चार्ज दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 2Ag+ से Ag यानी कि 2 × 2, यहाँ पे Mg+2 रेडॉक्स इक्वेशन याद रखिएगा, मैंने बताया था इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी है सम के अंदर, पर यहाँ पे रेडॉक्स कंडीशन बताई हुई है, ये रेडॉक्स इक्वेशन बताया हुआ है, पहले से इक्वेशन आ गया है, मतलब कि हमें एन को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें एल अपने आप कैलकुलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बराबर। तो हमने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी 2 log 10। यहां पे मैंने आपको क्यू को कैलकुलेट करना सिखाया था, क्यू क्या था, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। प्रोडक्ट यहाँ पे दिख रही है, देखो ये जो है इक्वेशन प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कहा है, प्रोडक्ट कौन सी रहा Mg+2 कॉन्सेंट्रेशन, पहले तो लिख देते हैं Mg+2 उसकी कॉन्सेंट्रेशन वोल्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2Ag+। मैंने कहा था अगर कोई स्टोकियोमेट्रिक पोर्शन है तो आगे जो मोल होगा वो कहाँ चला जाएगा, पावर में। देखिए यहाँ पे 2 आगे है तो 2 कहाँ चला जाएगा, Ag+ के पावर में, क्लियर। चलिए वैल्यू को यहाँ पे इलेबरेट करते हैं, प्रॉपर लिखते हैं 3.17 माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय 2 log 10। Mg+2 की वैल्यू क्या है, Mg+2 0.13, इसकी वैल्यू क्या है, चलिए वो दोनों वैल्यू सिर्फ यहाँ पे हमें पुट अप करनी है, 0.13 वोल्ट डिवाइड बाय 0.0001 मोलर, क्लियर। ये दोनों चीज हमें यहाँ पे बता दी गई है ऑलरेडी, तो वो चीज यहाँ पे सिर्फ हमें मेंशन करनी है, क्लियर। चलिए मेंशन कर देते, आगे बढ़ते हैं, 3.17 माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय 2 log 10। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, वो आप लोग समझिएगा, पहले मैं उसको साइड में करके दिखाता हूँ आपको। देखिए 0.13 मैथ वाले को तो कैलकुलेशन सीधा हो जाएगा, 0.13 मींस व्हाट, 13/100 इनटू 0.0001 मींस व्हाट, 1/10,000 जो कहाँ जाएगा ऊपर, चलिए दिख रहा है, क्लियर। जो भी आपको वैल्यू बताई थी वो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे मेंशन कर दी है, चलिए 2 यहाँ पे कट कर दिया, क्या रह गया 13 × 100, क्या रह गया 13 × 100, याद रखिएगा 13 × 100। चलिए वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 13 × 100 मीन्स वॉट, 10^2 13 मीन्स वॉट, 10^2 याद रखिएगा। क्या किया है मैंने, फिर से एक बार देख लीजिए, डेटा जो दिया है वो 0.0001 एंड 0.13 जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर से हम सम को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी 0.13 डिवाइड बाय 0.0001 यानी 13 मल्टीप्लाई बाय 10^2। अब ये लॉग जो है वो मैं अगर दोनों को अलग अलग दे देता हूँ, ये लॉग दोनों को क्या करता हूँ अलग अलग देता हूँ, तो क्या बनेगा, log 13 + log 10^2 ऐसा बनेगा, क्या log 13 + 10^2 मीन्स 3.17 माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय 2 लॉग विथ बेस 10 13 प्लस लॉग विथ बेस 10^2 क्लियर रेडी। यानी लॉग 13 की वैल्यू तो हमारे पास देखिए ये रही बताई गई है, लॉग 10 तो क्या हो जाता है 1, जो 2 है वो कहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी ये दोनों जो है उसको आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, 3.17 माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय 2 इनटू लॉग 13 की वैल्यू क्या है, लॉग 13 की वैल्यू 1.114 रेडी प्लस 2 रेडी, यानी 2 + 1 डायरेक्ट कर सकते हो, आप एक स्टेप करना चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, 2 + 1 3.114 इंटू 0.0592 वोल्ट डिवाइड बाय 2 और इसको 3.17 से आप निकाल दीजिए, जो भी आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा, ई सेल, क्या बनेगा आपका ई सेल, आंसर लाना आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, नॉर्मल सी कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन आपको करनी है रेडी, याद रखिएगा। क्या है फिर से एक बार सम को मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से किया हमने, जो हमने केसेस पढ़े थे वो केसेस के बेसिस पे ही जाना है, बराबर याद रखिएगा, मिस्टेक ना हो।
हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन करना था, हमने सेल को रिप्रेजेंट कर दिया, एम जी प्लस अकेला था, एम जी प्लस को अकेला लिखा, जो चेंज आया वही बता रहा हूँ। यहाँ पे आगे टू है तो उसको मैंने पावर में लिख दिया, यहाँ जो था उसको मैंने पावर में लिख दिया, क्लियर। अब देखिए एक यहाँ पे गलती कर दी हमने, 0.0001 का पावर 2 था तो वो पावर लिखना हम भूल गए, यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा 2 उसके पावर में आएगा, यानी कि यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए इतनी छोटी सी मिस्टेक होती है, कभी जाके आंसर जो आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। देखिए कुछ नहीं किया है साइड में, जैसे हमने यहाँ पे 100 लिखा था यानी कि 1/10,000 लिखा था, लेकिन उसका पावर क्या था 2, रेडी ना, उसका 2 पावर था, मतलब कि 10,000 और दूसरे 4 जीरो आ जाएंगे, रेडी ना, दूसरे 4 जीरो आ जाएंगे, मतलब 10^2 क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा ऊपर 10^6, 10^2 क्या हो जाएगा 6, log 10 13, यहाँ पे प्लस log 10 10 जो 2 था सीधे पे क्या आएगा 6, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6, बस इतना सा चेंज रहेगा, बाकी कोई चेंज रहेगा नहीं, याद रखिएगा मिस्टेक ना हो। यहाँ पे हमने सम नंबर 1 खत्म किया है और यहाँ पे जितने भी हमें कैलकुलेटिवली टर्म बताए गए उस टर्म को जैसे हमने सम एक बार करके फिर दूसरी बार चेकआउट किया उस तरीके से आप चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि नॉर्मल सी मिस्टेक भी हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक। देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशन मिस्टेक दिख गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पावर 2 था, पावर 2 किया तब जाके ये स्क्वायर आया, क्लियर। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लाना है, खास याद रखिएगा मिस्टेक ना हो, रेडी। चलिए सम को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। फाइंड ई सेल, यहाँ पे भी आपको ई सेल फाइंड करना है फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल ऑफ कॉपर, ये एग्जाम्पल मैंने आपको सिखा दिया था, कॉन्सेंट्रेशन सेल का जो एग्जाम्पल था वो मैंने आपको करके बता दिया था ऑलरेडी, जो हमने x के लिए किया था याद होगा, तो m से m प्लस x गए थे, m प्लस x से m गए थे, वैसे ही यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं पहले, तो आपको समझ में आ जाए। Cu से गए Cu+2 सॉल्ट ब्रिज, Cu+2 से गए Cu। कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए मैंने आपको एक बात याद रखवाई थी, खास क्या था, कॉन्सेंट्रेशन सेल में E0 सेल की वैल्यू क्या आती है 0, क्यों आती है, क्योंकि आप E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड लिखोगे तो वो दोनों एक ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी Cu+2 से Cu बनेगा, वहां पे भी Cu+2 से Cu बनेगा, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू का जो डिफरेंस है वो तो जीरो ही रहने वाला है, मतलब ये तो मैंने आपको ग्रास्प करने के लिए कहा था, सॉरी मगअप करने के लिए कहा था, इसको याद ही रख लीजिए, क्लियर। चलिए कॉन्सेंट्रेशन बताई गई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 एट एनोड, एनोड साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है 0.01 मोलर। देखिए 3-4 सम के अंदर मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन सेम रहे, यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कैलकुलेशन करना तो आप लोग आराम से कर सकते हो, इसलिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन सेम रखी है, और कैथोड साइड का जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन मैंने कितना रखा है 0.1 मोलर, क्लियर। और ये दोनों जो हमारे है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, उसको मैं बार बार नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ मैंने वो क्यों नहीं लिखे थे, क्योंकि उनकी एक्टिविटी क्या रहती है 1, रेडी, सॉलिड स्टेट के अंदर है इसलिए। चलिए क्या बताना है, क्या सॉरी कैलकुलेट करना है, 298 केल्विन टेम्परेचर बताया, लेकिन कहीं पे कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है वो दिखने के लिए ये दोनों अलग अलग दिए हैं, मतलब कि ये नॉन स्टैंडर्ड की कंडीशन है, तो आप लोग ई सेल कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ नर्म्स्ट इक्वेशन, रेडी। मैं यहाँ पे नर्म्स्ट इक्वेशन को एक और बार में हर एक सम के अंदर आपको दिखाना पड़ेगा जहां जहां पे आप उसका यूज कर रहे हो, रेडी। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय एन इनटू लॉग विथ बेस 10 क्यू। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन, ई नॉट सेल की वैल्यू तो क्या है 0, यानी माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय एन। एन के लिए मैंने आपको एक चीज याद रखवाई हुई है, n के लिए क्या याद रखवाया हुआ था, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए n की वैल्यू क्या होती है, जो चार्ज होता है वही, देखिए चार्ज सेम है ना, +2, यानी यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी 2, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, log with base 10 बराबर सामने आएगा q, तो q को कैलकुलेट करना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे q लिख रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि साइड में मैं आपको q कैलकुलेट करके दे देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैंने q की वैल्यू रखी है जहां पे जो वैल्यू की जरूरत थी वो e cell। चलिए मैं q को कैलकुलेट कर देता हूँ, हमारा q क्या था,
प्रोडक्ट साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिवाइड बाय रिएक्टेंट साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट साइड का कॉन्सेंट्रेशन मतलब कि Cu+2 at प्रोडक्ट, माफ कीजिए प्रोडक्ट साइड, यहाँ से इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो क्या बनेगा, ये Cu में से Cu+2 बना यानी सामने की साइड गया, मतलब कि एनोड, मैंने आपको याद भी रखवाया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन C1/C2, याद कीजिए एनोड बाय कैथोड, शॉर्ट ट्रिक थी वो, बराबर Cu+2 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu+2 रेडी, लेकिन ये कंडीशन में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ एनोड के लिए थी, ये कैथोड के लिए है 0.01 वोल्ट डिवाइड बाय 0.1, क्लियर ना, यहाँ पे मैंने छोटे से आपको क्यू साइड में करके दिखा दिया है, वो क्यू की वैल्यू हम वहां पे पुट करने वाले हैं, बराबर, चलिए वो क्यू की वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं, क्लियर, क्यू इज इक्वल टू, क्यू की वैल्यू क्या थी, Cu+2 ऑफ एनोड वोल्ट डिवाइड बाय Cu+2 एट कैथोड, क्लियर ना, Cu+2 बाय Cu+2, ये आपको बीच में दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको समझ में आया इसलिए मैंने दिखाया, आप डायरेक्ट वहां पे दिखा सकते हो, -0.059 वोल्ट डिवाइड बाय 2 लॉग विथ बेस 10 Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.01 यानी 1/100 डायरेक्ट लिख रहा हूं कैलकुलेशन के साथ याद रखिएगा, इनटू Cu+2 नीचे वाले कितनी है 1 डिवाइड का डिवाइड 10 ऊपर यानी कट सिंपल, चलिए -0.059 वोल्ट डिवाइड बाय 2 लॉग विथ बेस 10, देखिए 1/10 ऊपर आएगा क्या हो जाएगा 10^-1 -1 आगे आ जाएगा लॉग 10 10 1, 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय 2 इनटू -1, क्लियर ना, क्योंकि लॉग 10 10 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि आपके जो आगे माइनस की साइन है वो माइनस की साइन 1 के साथ क्या बन जाएगी प्लस, यानी कि 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय 2 आंसर सीधा बन जाएगा 0.295 वोल्ट, क्लियर, सो कॉन्सेंट्रेशन सेल कॉपर के लिए आपको ई सेल की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी, क्लियर, आप लोग इस आंसर को एक बार चेकआउट कर लीजिएगा कैलकुलेशन करके, रेडी, तो कॉन्सेंट्रेशन सेल को इस तरह एकदम इजी सम होते हैं, देखिए आप जैसे जैसे गिनते जाओगे 1 2 3 4 5 जैसे सम को आगे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएगी, क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं, बताया गया है इनोट ऑफ Ag+2 Ag इज 0.8 वोल्ट एंड इनोट ऑफ H+2 H2 इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट, मतलब कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वहां पे बताया गया है, इन सेल विच विल एक्ट एज एनोड, कौन सा सेल, माफ कीजिए कौन सा टर्मिनल जो है वो एनोड के फॉर्म में काम करेगा, एंड ऑल्सो फाइंड ई सेल एंड राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ई सेल इनोट सेल भी आपको कैलकुलेट करना है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल भी लिखना है, तो सबसे पहले यहां पे जो सेल दिया गया उसके ऊपर एक कॉन्सेप्चुअल बात है थोड़ा समझिए, देखिए दो अलग अलग इनोट सेल की वैल्यू दी हुई है, एक्चुअल में जब दो अलग अलग इनोट सेल की वैल्यू बताई जाती है तो हमने वहां पे सीखा था हमने एक पहले और दूसरे केस के अंदर कि भाई एनोड के लिए इनोड सेल कैथोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के बेसिस पे हम सब कुछ तय करते हैं, रेडी ना, तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि भाई Ag+2 Ag वो एनोड के फॉर्म में रहेगा कैथोड के फॉर्म में रहेगा, वो तो हमें क्या करना है एलेबोरेट करना, हमें जानना है कि वो बना कैसे, अब एक बात समझिए थोड़ा पीछे जाइए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल उसके अंदर और इवन गैल्वेनिक सेल की शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था क्या कि जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है वो ऑलवेज कहां पे होती है कैथोड के ऊपर, कहां पे होती है कैथोड के ऊपर, रिडक्शन प्रोसेस होती है ऑलवेज एनोड के ऊपर, तो यहाँ पे दोनों आपको रिडक्शन फॉर्म में दिखाया गया है, मतलब कि वो कॉन्सेप्ट तो साइड में चला गया उससे तो आपको पता चलेगा नहीं, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट ले आते, पता किसे चलेगा एनोड है कि कैथोड है, वो होती है वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP की वैल्यू, क्या याद कीजिए जो जिसकी SRP की वैल्यू ज्यादा होती है क्या वो रिड्यूस होता है, जिसकी SRP की वैल्यू ज्यादा होती है वो रिड्यूस होता है, जिसकी SRP कम वो ऑक्सीडाइज होता है, इन दोनों में से आपको SRP की वैल्यू किसकी कम दिख रही है हाइड्रोजन, जिसकी कम वो क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा, मतलब कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कि आपके एनोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस हो रही है, एनोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा जो कॉन्सेप्ट बोला हूं मैं, एनोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसकी SRP की वैल्यू कम है, जिसकी SRP कम वो ऑक्सीडाइज होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, एनोड के ऊपर होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, चलिए उसको मेंशन कर देते हैं ऑक्सीडेशन, यानी हाइड्रोजन में से बना H+ और एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गया, आगे मैं उसको बैलेंस कर देता हूं 1/2,
रेडी। सेम थिंग में चलिए यहाँ पे कैथोड भी लिख देता हूं। यहाँ पे कैथोड के ऊपर कौन सा बनने वाला है, रिडक्शन प्रोसेस होने वाली है, कौन सा है हमारे पास, Ag प्लस टू Ag, यानी कि Ag प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, Ag में। चलिए इसका टोटल इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, 1/2H2 प्लस Ag प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन तो सामने सामने ही कट हो गए, गिव्स H प्लस प्लस Ag। रेडी, आप इसको बैलेंस दूसरी तरीके से करना है तो भी कर सकते हो, एच टू है तो सामने टू लिखो फिर नीचे टू करो, जैसे यहाँ पे देखिए एजी प्लस टू करा गया, वैसे ही यहाँ पे वन ऑफ एम जी नहीं लिखा गया पर इक्वेशन को टू कर दिया गया। चलिए समझ में आई बात, चलिए इक्वेशन लिख दिया, यानी कि एनोड और कैथोड कौन रहेगा पता चल गया। पहला क्वेश्चन दिया था इन सेल विच विल एक्ट एज एनोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड लिख रहा है बराबर। ऑल्सो फाइंड इनोड सेल, इनोड सेल की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, इनोड सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने का आपके पास बेहतरीन फॉर्मूला है, क्या था इनोट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था आपके पास, इनोट सेल, इनोट सेल इज इक्वल टू इनोट ऑफ इनोट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस इनोट रिडक्शन ऑफ एनोड। क्लियर, समझ में आई बात, इनोट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस इनोट रिडक्शन ऑफ एनोड। कैथोड एनोड कौन है वो तो आप लोग जान चुके हो क्योंकि ऊपर मैंने सारी चीजें मेंशन कर दी है, यानी कि मैं एक बार यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं, इनोट रिडक्शन ऑफ कैथोड ये क्या है, इनोट Ag प्लस टू Ag माइनस इनोट H प्लस टू H2। रेडी, यानी 0.8 माइनस 0.00 इनोट सेल की वैल्यू क्या आ गई, इनोट सेल की वैल्यू क्या आ गई, 0.8 वोल्ट, क्या आ गई 0.8 वोल्ट। चलिए कैलकुलेट हो गया यहां पे बराबर। तो आखिरी चीज एंड राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखना है, बहुत इजी है, सेल का रिप्रेजेंट लिखना मैंने आपको सिखाया, क्या करना है सबसे पहले एनोडिक साइड नेगेटिव है, कौन है एनोड, ये रहा, क्या हो रहा है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन जैसे होता है एज ऑलवेज, H2 to H+, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसलिए प्लेटिनम को दिखाएंगे, सॉल्ट ब्रिज दिखा देंगे बीच में, राइट हैंड साइड के ऊपर कैथोड होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रहा है उसको भी दिखा दिया, Ag प्लस टू Ag जो कि सॉलिड है, यहाँ पे ये जो है वो गैसियस है बराबर, इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी इसलिए इसको एक्वियस दिखा देता हूँ, ये भी एक्वियस होगा बराबर। तो ये जो है वो हो गया क्या आपका रिप्रेजेंटेशन, क्या हो गया रिप्रेजेंटेशन जो आपको यहाँ पे बता दिया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस सेल। क्लियर, तो तीन अलग अलग प्रकार के सम यहाँ पे हमने देख लिए। देख लीजिए खास एक बात को समझना, मैं जितने भी टाइप के सम यहाँ पे करवा रहा हूँ सारे सम कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और वो सारे के सारे सम अलग अलग मेथड के अंदर आ जाते हैं कि इसके थ्रू आप दूसरे बहुत सारे सम कर सकते हो। क्लियर, आगे सम को बढ़ाते हैं, सबसे पहले इसका सेंसर ले, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाते हैं। यहाँ पे एक अलग डिफरेंट क्वेश्चन मैंने लिखा है और साथ में एक कंसेप्ट भी पूरा लिखा हुआ है, वो खास ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने कंसेप्ट यहाँ पे लिखा इसलिए है क्योंकि आपको इस तरीके से पूरा वैल्यूएशन के साथ समझ में आया कि स्टेटमेंटल फॉर्म इस तरीके से लिखा जाएगा और उसको आपको याद रखना है दूसरे बहुत सारे सम्स के लिए भी, खास करके एमसीक्यू के लिए JEE के, क्योंकि ये एमसीक्यू नीट में आ चुका है और इसका एक दूसरा एमसीक्यू भी है जो हम लेक्चर नंबर 23 के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे 22 के अंदर हम जो ये दो सम पढ़ेंगे उसके बाद ये लेक्चर यहाँ पे खत्म करेंगे, लेक्चर नंबर 23 के अंदर हम इसी के बेस का एक सम पढ़ेंगे और तब आपको मैं ये कॉन्सेप्ट याद रखूंगा, इसलिए मैंने दोनों सम को बायफर्केशन के अंदर रखा है, दोनों सम को मैंने अलग रखा है। क्लियर, उस बात को खास याद रखिएगा, मिस्टेक ना हो। चलिए क्या बताया गया, फॉर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP मींस व्हाट, फॉर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एट 298 केल्विन, फॉर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल, फॉर द फॉलोइंग हाफ सेल, एक हाफ सेल के लिए हमें वो वैल्यू बताई गई है, वो वैल्यू क्या है, जिंक का हाफ सेल अगर होगा तो 0.76 माइनस, मैंने आपको ये याद रखने के लिए बोला है वो तो आपको पता है, क्रोमियम अगर होगा तो 0.74 माइनस, H2 से H2 तो आपको पता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वो क्या होगा 0.00, एंड Fe प्लस 3 से Fe मींस 0.77 वोल्ट, ये आपको बता दिया गया है। क्लियर, अब कैलकुलेट क्या करना है, विच ऑफ, ये कंसेप्चुअल है ध्यान रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट,
अब टेंथ स्टैंडर्ड से आप लोग एक डेफिनेशन पढ़ते आए हो कि रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होता है, तो उससे पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट मींस कौन, जो पूरी प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होता हो। जो एक ही कंसेप्ट याद रखिएगा, रिड्यूसिंग एजेंट मींस कौन, जो पूरी प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होता हो। पूरी प्रोसेस में जो ऑक्सीडाइज होता हो वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी कि अच्छा यानी बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो प्रोसेस में इजिली ऑक्सीडाइज हो जाए। क्लियर ना, हमने कहा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि जो ऑक्सीडाइज होता हो, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए, वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना। यानी कि आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाए मतलब क्या, आसानी से ऑक्सीडाइज कौन होते हैं, जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम होती है, लो। याद कीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी कम होती है वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। यानी कि एक कंसेप्ट निकल के क्या बाहर आया, जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम होती है उनका रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, ज्यादा। यानी कि बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जिसका एसआरपी कम हो। याद रखिए, जिसका एसआरपी कम वो बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका एसआरपी ज्यादा, उल्टा कर दीजिए, जिसका एसआरपी ज्यादा वो बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस व्हाट, जो पूरी प्रोसेस में रिड्यूस होता है। आसानी से रिड्यूस कौन होता है, जिसकी एसआरपी ज्यादा हो, तो पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज्यादा, वो फटाफट रिड्यूस होगा ना। वो रिड्यूस ही फटाफट इसलिए होता है क्योंकि उसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा होती है, बराबर ना। बस यहाँ पे आपको वो कंसेप्ट याद रखना है, खास याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं इसलिए। क्या लिखा है, कंसेप्ट अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने इसलिए इसको मेंशन भी कर दिया है। रिड्यूसिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज इन रिएक्शन, क्लियर। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो प्रोसेस में ऑक्सीडाइज होता है, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो प्रोसेस में रिड्यूस होता है। मींस रिड्यूसिंग पावर डिपेंड्स अपॉन द एसआरपी वैल्यू, रिड्यूसिंग पावर इवन ऑक्सीडाइजिंग पावर भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एसआरपी वैल्यू के ऊपर। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैव लोअर एसआरपी वैल्यू, मैंने कहा ना, जिसकी एसआरपी कम वो सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, एंड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैव हायर एसआरपी वैल्यू, जिसकी एसआरपी की वैल्यू ज्यादा वो बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग होगा क्योंकि वो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा। अब सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसकी एसआरपी की वैल्यू कम। इन सब के अंदर सबसे कम एसआरपी आपको कहां दिख रही है, ये रही, क्लियर ना, ये तो आपको पता चली जाएगा। ZL की -0.76 वैल्यू सबसे कम है, नेगेटिव साइन है, याद रखिएगा, बच्चे यहां पे लिख देते हैं सीधा 0.74, नहीं ये माइनस में ये छोटा होता है, बराबर याद रखिएगा। खास क्या वैल्यू आएगा, आंसर वन क्या है, ई ऑफ ZN प्लस 22ZN इज इक्वल टू -0.76 वोल्ट। यानी कि याद रखिए, गुजरात बोर्ड वाले जो बच्चे हैं वो लोग भी याद रखिए, गुजकेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ लेते आपको कि भाई E0 यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू -0.76 है, बराबर। तो आपका जो ये चार पांच देंगे और डायरेक्ट बताएंगे भाई रिड्यूसिंग एजेंट इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, क्या -0.76 वैल्यू इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग दिस स्कोर, इस चार में से ये जो है वो क्या है, सबसे बेहतरीन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट। क्लियर, कंसेप्ट भूलिएगा मत, याद रखिएगा। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फाइंड द ई सेल फॉर दिस, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया गया है, इनोड सेल की वैल्यू भी दे दी गई है, रिडक्शन और कैथोड एनोड की दोनों की, और दोनों के पास दोनों के आयन की कंसंट्रेशन भी हमको बता दी गई है, कंसंट्रेशन भी बता दी गई है, इनोड सेल की वैल्यू भी दे दी गई है, ई सेल को कैलकुलेट करना है, तो देखते ही पता चल जाता है कौन सा केस है, केस नंबर टू। कौन सा केस है, याद कीजिए, केस नंबर टू है ना, देखिए चार्ज डिफरेंट +2 and +1, रेडी। सम को मैं इलेबोरेट कर रहा हूँ, पूरा सम लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, पूरा सम लिख रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में आए कि भाई वापिस से वो रिकैप हो जाए कि केस वन केस टू क्या था। केस टू के अंदर हमने सिर्फ चार्ज को अलग अलग किया था, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे नॉन स्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर मैं आपको बताऊंगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल -0.059/n log 10 q, क्लियर। नंस्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, मैंने आपको वो चीज आपके दिमाग में डाली हुई है, एक इनोड सेल, एक n और एक q।
इनर्ट सेल यहां से मिल जाएगा, कैलकुलेशन के ऊपर से हमारे पास फॉर्मूला है, इनर्ट सेल इज इक्वल टू इनर्ट ऑफ रिडक्शन, डायरेक्ट लिख रहा हूं याद रखिए, रिडक्शन किसका रिडक्शन होता है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है बोलते हैं, किसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन किसका होता है कैथोड पे होता है, वो दिख रहा है रिडक्शन दिख रहा है ना, किसका रिडक्शन होता है, इनर्ट एजी प्लस टू एजी, क्लियर ना, देखिए क्या इनर्ट ये राइट हैंड साइड पे कैथोड, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड, एनोड पे ऑपरेशन, कैथोड पे रिडक्शन, या रिडक्शन कहां पे हुआ इसका, सो इनर्ट रिडक्शन यानी एजी प्लस टू एजी रेडी माइनस इनर्ट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस एनोड, एनोड दिख रहा है एमजी प्लस टू से एमजी रेडी, वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, चलिए वैल्यू डाल देते हैं, एजी वाली वैल्यू कितनी है 0.8, माइनस माइनस प्लस करता हूं, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं माइनस, इसकी वैल्यू क्या है माइनस 2.36, उसको प्लस कर देते हैं प्लस 2.36.44 रेडी, देखिए 0.8 प्लस 2.36 टोटल कर देते हैं इसका 2.44 वोल्ट, चलिए ई नॉट सेल मिल गया, पहला टर्म जो था हमारा वो हमने कैलकुलेट कर दिया बराबर, पहले टर्म को हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, दूसरे टर्म की ओर जाते हैं, दूसरा टर्म हमारा एन है और एन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनोड और कैथोड दोनों के इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, सीधी बात है, चलिए इक्वेशन लिख देते हैं, सबसे पहले एनोड की बात करते हैं जो कि हमारा नेगेटिव है, ये कैथोड की बात करते हैं जो कि हमारा पॉजिटिव है, हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है वो थोड़ा बदल जाता है, क्लियर, आप लोग जानते हो एनोड और कैथोड, एनोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, मींस एमजी में से क्या बन रहा है एमजी प्लस टू, और दो इलेक्ट्रॉन साथ में रिलीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए एजी प्लस जो है वो एजी प्लस यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन रहा है एजी, यानी ये जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर एजीडीस है, मैग्नीशियम भी सॉलिड स्टेट के अंदर है, दोनों की रिएक्टिविटी एक ही रहने वाली है, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन आप जब रेडॉक्स लिखो तो रेडॉक्स लिखते वक्त आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा इक्वलाइज करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे वन है तो इसको टू बनाना पड़ेगा या तो इसको टू से डिवाइड करना पड़ेगा जो आपको ठीक लगे, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टू टू एंड टू रेडी, अब इसका हम जब रेडॉक्स लिखेंगे तब ये दो दो इलेक्ट्रॉन सामने सामने क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे, क्लियर, अब इक्वेशन लिख देते हैं एमजी सॉलिड प्लस टू एजी प्लस गिव्स Mg प्लस टू प्लस टू Ag सॉलिड, चलिए इसके ऊपर से एक चीज तो पता चल गई क्या N, N की वैल्यू क्या आई, देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हैं दो तो N इज इक्वल टू टू यहां पे मिल गया हमें बराबर, दूसरी वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई, तीसरी वैल्यू की ओर जाते हैं, तीसरी वैल्यू हमारी क्या है Q, Q को कैलकुलेट करते हैं, तीसरी वैल्यू क्या है हमारी Q, Q को वहां पे कैलकुलेट कर देते हैं, Q इज इक्वल टू क्या है Q मीन्स वॉट Q ये रहा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट साइड कौन है, इन दोनों की एक्टिविटी तो क्या हो जाने वाली है वन, क्लियर ना, इन दोनों की एक्टिविटी तो वन हो जाएगी क्योंकि सॉलिड स्टेट के अंदर है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एम जी प्लस टू डिवाइड बाय टू ए जी प्लस, तो टोक्योमेट्रिक रूल के हिसाब से जो आगे होगा वो चला जाएगा पावर के अंदर, चलिए पावर में भेज दिया उसको, Mg प्लस टू ये रही सारी कॉन्सेंट्रेशन हमें बता दी गई है, कॉन्सेंट्रेशन लिख दीजिए पहले तो Q इज इक्वल टू Mg प्लस टू की वैल्यू कितनी है 0.01 डिवाइड बाय Ag प्लस की वैल्यू कितनी है 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर, देखिए आपको दो तरीके से आप यहाँ लिख सकते हो, पहले आप पहले वैल्यू लिख दीजिए उसके बाद कैलकुलेशन कर देते हैं, देखिए स्क्वायर है रेडी, अब देखिए 0.01 का मतलब क्या है 1 डिवाइड बाय 100 इनटू इसके डिवाइड में क्या आएगा 10 लेकिन पावर में 2 है इसलिए 100 तो 1 बाय 100 0. अपने आप क्या हो जाएगा कट हो जाएगा स्क्वायर के हिसाब से, यानी Q की वैल्यू क्या हो गई 1, Q क्या मिल गया हमें 1, बस वो सारी वैल्यू आप यहाँ पे क्या कर दीजिए पुट अप कर दीजिए, सारी वैल्यू को यहाँ पे लिख दीजिए, बात खत्म, क्लियर, बस वहां पे छोड़ रहा हूँ, क्लियर, Q की वैल्यू तीनों वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट कर दी है, ये हमारी कैलकुलेशन नंबर 1 थी, ये हमारी कैलकुलेशन नंबर 2 है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन हमने लिखा हुआ है, और ये हमारी कैलकुलेशन नंबर 3, यानी तीनों तीन वैल्यू को मैंने कैलकुलेट कर दिया है, मैं आपको बता देता हूं आपको करना कैसे है, ई सेल की वैल्यू जो आई 2.44 माइनस 0.059 बाय एन की जगह पे आएगा 2 लॉग विद बेस 10 क्यू की वैल्यू 1, सिंपल समझ में आई बात, लॉग 10 हो तो पूरा 1 हो जाएगा, इस टर्म को आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है,
वो आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, सारी सिर्फ कैलकुलेशन है वो आपको कर देनी है। रेडी? यानी ये हमारा सेकंड केस दिखा रहा है। याद कीजिए फर्स्ट केस क्या था, दोनों सेम चार्ज वाले हो तो, सेम चार्ज वाले हो, ऐसा एक सम है, मैंने वहां भी बताया था डेनियल से, आप लोग ट्राई कीजिएगा, कभी मैंने कहा था नहीं आया है तो मैं आपको वापस बता दे रहा हूँ। क्लियर? याद रखिएगा, यहाँ पे अगले लेक्चर के अंदर हम डेनियल सर को ले लेंगे, यहाँ पे मैंने इसलिए अलग अलग चार्ज को लिया है। खास इस कंसेप्ट को भूलिएगा मत, ये कंसेप्ट आप लोग अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। ये पांच सम है, उसके साथ दूसरे भी बहुत सारे वैरायटी वाले सम हम करने वाले हैं, लेकिन वो अगले लेक्चर के अंदर देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक थैंक्स अ लॉट।